अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे, हंसते खेलते रहें, खुश रहें। ये लें जी, आज आई है एक नई वीडियो। वीडियो है एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ के बारे में, जो जब मैंने ख़रीदना था तो मैंने इतनी वीडियोस देखी, इसकी इतनी वीडियोस देखी कि सोचूं कैसा है कैसा है कैसा है, लेकिन ज़्यादातर इसकी जो वीडियोस थी वो इसकी चंद चीज़ों पे थी। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है इसकी तमाम एक्सेसरीज पर। चलें जी, बात करते हैं इस फेशियल मसाजर की। ठीक हो गया जी, मल्टी फंक्शन क्लिंजर, ये देखिए जी, यहाँ मल्टी फंक्शन क्लिंजिंग, ये इसका नंबर है। ये मैं इसको लेके आई थी तकरीबन एक साल पहले, एक साल से ज़्यादा भी हो सकता है, जब ये नया नया आया था। ये देखिए, ये जो मेरे पास है ना, ये है 9-in-1 फेस मसाज ब्यूटी डिवाइस। ठीक है जी, ये देखिए जी, अंदर से ऐसा है, ये देखिए। चलें जी, इसको खोलते हैं और देखते हैं। मैं इसको लाई थी जब, तब बहुत ज़्यादा मैं इसको शौक से यूज़ करती थी, अब वो शौक़ ख़त्म हो गया है। काफ़ी महीनों से मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। कल मुझे इस पर नज़र पड़ी तो मैंने कहा चलें जी, क्यों ना आप लोगों को भी इसके बारे में बता दिया जाए। ये देखिए जी, अंदर से इस तरह का है। कल मैंने इसको खोला और जी ये जी यूँ हो गया, टूट गया। चलें, ये तो मसला नहीं है, ये तो इस तरह से यहाँ से लग जी जाएगा जी। तो बात करते हैं इसके बारे में। फेशियल मसाजर, इजी लैंग्वेज लें जी, ये बैटरी ऑपरेटेड है। यहाँ पे इसके सेल हैं, ठीक है जी, ये देखें जी, सेल है, सेल इसमें तीन डलते हैं, ये दो नहीं चार हैं, ये अंदर भी दो सेल हैं, चार सेल इसमें डलते हैं। मैं जब से लाई हूँ मैंने इसमें सेल चेंज नहीं किए। स्टार्टिंग में 2 महीने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए, हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेती थी। कभी जी पाँव पे ब्लीच की है तो पाँव पे जी, ये देखें काला भाई, ये पाँव पे इस्तेमाल कर लिया, शुरू में बहुत ज़्यादा की है, लेकिन सेल फिर भी चेंज नहीं करने पड़े अभी तक। आपके सामने आज चला रही हूँ, कल चलाया था, चेक किया था कि सेल ठीक है कि नहीं, फिर मैंने कहा वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में, तो सेल ठीक थे। चलें जी, ये जी स्टार्ट, ये पाँव का है, हाथ पे लगा के नहीं दिखाऊंगी आपको, हाथ पे हाथ वाला लगा के दिखाएंगे, ठीक है जी। ये इस तरह है, इसको आप मैं अपने ना एंकल्स पे और पाँव के फिंगर्स पे इसको रख करती हूँ, ज़बरदस्त होता है ये। और जी अगला है जी, इसके बारे में बात करते हैं। ये जी मैंने फेस पे यूज़ किया है, पूरे फेस पे। आपके पास जो भी फेशियल के एक्सेसरीज हैं, डबल एक्शन है या फिर ट्रिपल एक्शन मसाज क्रीम, वो मैंने फेस पे लगाई और हल्का सा पानी लगाया और फिर इसको डिवाइस में लगाया और पूरे फेस पे इसको ऐसे यूँ इस तरह कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये वाला, ये बेसिकली है बेस फाउंडेशन। इसके लिए है कि आप फेस पे लगाएं, हल्का सा इस पर पानी लगाएं और इसको डिवाइस में लगा कर और पूरे फेस पे घुमा लें, ठीक है जी। अगला है जी ये वाला, ये मैंने एक दफ़ा यूज़ किया था, ये इतना गंदा नहीं है, अंदर से दिखें थोड़ा सा इसमें ब्लैक पार्टिकल्स हैं। इसको अभी मैंने फेस पे ही यूज़ किया था, ये ना रबड़ है, रबड़ टाइप है ये, ठीक है जी। और जी नेक्स्ट है ये आपको शायद पता हो, ये मसाज के लिए है कि मतलब मेरे ख्याल से जो हड्डी वगैरह में कोई किसी के दर्द होती है तो ये मसाज करने के लिए, ये इस तरह चलता है, मैंने यूज़ नहीं किया ये, वो दर्द की शोल्डर की मसाज वगैरह करने के लिए ना, ये उसके लिए है मेरे ख्याल से, ठीक है जी। अगला है जी इसमें ये वाला है, ये रेगमार से जो होता है ना ये वो लगा हुआ है, ये मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक, ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। और ये है जी, ये नॉर्मल सा है, मुझे ना पता नहीं था, इसके ऊपर ना स्टिकर लगा हुआ था प्लास्टिक, मुझे पता नहीं था, तो ये ना थोड़ा सा ना खुरदरा सा है, तो जब इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था तो ये ऐसा नहीं था। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मैंने फेस पे मसाज क्रीम लगाई और इसको डिवाइस में लगा के यूज़ कर लिया। जब जी मैंने इसको
यूज़ कर लिया, जब उतार के रख दिया, जब नेक्स्ट डे या 3 to 4 days बाद जब मैंने इसको खोला तो इसके ऊपर से प्लास्टिक निकल रहा था, मतलब मैंने इसके ऊपर से प्लास्टिक नहीं उतारा था। तो आप लोग जब लेकर आए तो प्लास्टिक उतार लीजिएगा। ये वाला जो है ना, ये ब्लैक हेड्स के लिए है। इसको मैंने नोज़ पे यूज़ किया है, इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। ये देखें, ये भी थोड़ा सा ना खुरद रहा है, ये देखें इस तरह का है, ठीक है जी। अभी जो ये नेक्स्ट है, ये है जी वो पत्थर जिससे आप अपनी पाँव की हील्स और एंकल्स वगैरह साफ़ करते हैं। ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मशीन में लगा लेते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, सुकून है। एक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही कोई ना मुलायम सी चीज़ हमारे हाथ पे चल रही है, ठीक है जी। तो जी इसमें जी 9, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ चीज़ें और एक ये मशीन, ठीक है जी। ये इसमें ये हैं जी 9 चीज़ें, और जो और भी कुछ आते हैं ना वो आते हैं 5 चीज़ों के साथ। उसमें ये होता है, ये होता है, एक ये होता है, ये होता है, ये होता है, एक पता नहीं कौन सा होता है। 9 होती हैं, 9 उसमें 5 होती हैं, इसमें 9 हैं। हाँ जी जी ठीक है जी। ये 9 in 1 है, वो दूसरा वाला जो है वो 5 in 1 है। तो जी आपको जो अच्छा लगता है आप वो ले लें। 9 और 1 में और 5 in 1 की प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। जब ये नया नया आया था ये, तो मैंने ये 2200 का लिया था, और वो वाला था तकरीबन 1800 का या 1900 का था। तो मैंने ये वाला ले लिया था, वो कह रहे थे कि जी ये ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने कहा चलें जी ये ले लेते हैं, 200-300 का फ़र्क था। अब मेरे ख्याल से ये 1200-1500 में भी मिल रहे हैं, तो जी ये अच्छा है। जो लोग पार्लर नहीं चाहते, नहीं यूज़ करते ज़्यादा प्रोडक्ट्स को, तो आप किसी एक क्रीम के साथ इसको करके देखें, आपको इसका रिज़ल्ट का पता चलेगा। मैं पिछले साल इसी को ही यूज़ करती थी और ये अच्छा है, इसका रिज़ल्ट बहुत कमाल है, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और सर्दियों को इंजॉय कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।